ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਲੂਟ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਤੂੰ ਤੂੰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੋ ਯਾਰ ਮੱਖਣ ਛੱਡਣਾ ਤੂੰ ਮੱਖਣ ਕੋਈ ਡੀਸਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਨੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਮੱਖਣ ਯਾ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿਕਸ ਐਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮਤ ਕਰਾ ਕਰੋ ਅੰਕਲ ਮਤ ਕਰਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਚਨੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਮੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। तो मार्केट का रेट है वही बेचो, पूरे हिंदुस्तान में 20 रुपए रेट है। मतलब काफी देर से देख रहा हूँ इस बंदे ने, ये बंदा खुद की अपनी मर्जी से 25 रुपए में बेच रहा है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे ठग रहा है। और जब इसको ये चीज पूछी गई तो ये आगे से बहस पे आ गया। इस बंदे ने इतनी शर्म नहीं कर रहा है कि आज ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 31 दिसंबर पे यहाँ पे पार्क में आए हुए हैं और ये ऐसी ही जगहों पे ज़्यादातर खड़े होके पब्लिक को और चिल्ड्रन को लूटते हैं। वो कुछ क्या लग रहा है? इनके साथ वाला जो आप थोड़ा कैमरा घुमा के देखिए, वो 20 रुपए का कुलचा बेच रहा है इनके साथ खड़े होके, और ये जनाब 25 रुपए में कुलचा बेच रहे हैं इनलीगल तरीके से। कौन सा, इनसे रेट कौन सा कुलचा बेच रहे हैं? ये कुलचा बेच रहे हैं अपने चने वाला कुलचा पूरे जम्मू में 20 रुपए का बिकता है, और जो फेमस बंदे हैं जम्मू में बेचने वाले वो भी 20 रुपए में बेच रहे हैं टेस्टी मक्खन लगा के। मगर ये बंदा यहाँ पे खड़े होके एक तो बहस कर रहा है पेरेंट्स के साथ और ऊपर से 25 रुपए में अपना ये बेच रहा है मक्खन लगा के। इन जैसे बंदों पे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है इन बंदों को, और जब इनको पुलिस की धमकी देगी तो कहते हैं जाओ बुला लो पुलिस वालों को, हम नहीं डरते। जम्मू में आज इनका ये दम आ गया इनके अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इन जैसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर चिल्ड्रन पार्क में 5 रुपये आधी पर्ची कट रही है अंदर जाने की। कौन सी लोकेशन है ये? लोकेशन है JDA पार्क, हरी सिंह पार्क के बाहर, और ये जीवल में है। भैया कितने का बेच रहे हो कुलचा? भैया बगैर मक्खन दे रहे 20 रुपए बच्चों को। मक्खन झूठ का मक्खन सर, ये झूठ बोल रहा है ये। मैं अभी आपको बेटना से देता हूँ। बच्चे आए, ये कोई बगैर मक्खन के नहीं बेच रहा, ऐसे सबको एक जैसा रेट बेच रहा है। और ये ठगी कर रहा है यहाँ पे, और ये आज से नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसको हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है यहाँ पे, मगर ये आज तक हम बर्दाश्त करते आए हैं। चिल्ड्रन पार्क के बाद हमेशा जो है चिल्ड्रन को एक कंसेशन मिलता है, मगर ये लोग ऐसे ठगी लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, जो खिलौने भी कुछ महंगे बेच रहे हैं, जो पेरेंट्स का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि बच्चे जो हैं वो साथ आए होते हैं, उस वक्त ज़िद करते हैं, पेरेंट्स लेके देते हैं, मगर किसी की जेब में होते भी हैं, किसी की नहीं भी होते, मगर इन जैसे लोग जो है ठगी कर रहे हैं लोगों में, इनको लूट से बचाना चाहिए। ये क्या कर, कौन सा कुलचा 25 का दे रहे हैं? आलू टिक्की का, देखिए ये है कुलचा इनके। हाँ देखो, यही चीज जो है जम्मू में पूरे में बिक रही है 20 रुपए में, और ये 25 रुपए में बेच रहे हैं। मगर इनको कोई पुलिस का डर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डर नहीं है इनको। ये 25 का कौन सा क्यों बेच रहे हो 25 का? भैया क्या करे, 50 रुपया दर्जन कुलचा हो गया, 140 रुपये किलो चने मिल रहे हैं भाई साहब। पूरे जम्मू में एक जैसा ही रेट होता है। फिर आप बस स्टैंड में चले जाइए, तुम्हारे पास में ही आप बागेबू पार्क में चले जाइए, पूरे परेड से लेकर जम्मू तक, और किसी भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर जहाँ पे भी खड़े होंगे चिल्ड्रन पार्क के बाहर, वहाँ पे एक ही रेट होते हैं। तुम्हारा रेट ही अलग है, क्यों क्या कर रहे हैं फिर? तो तुम्हें मटर लगाने लगेंगे आप, बोलो मटर लगाने, जो मर्जी वही खिलाओगे जो पूरी पब्लिक पूरे कुलचे वाले खिलाने हैं, तुम अलग चीज़ नहीं खिला सकते। कुलचा कितने का है? कुलचा 20 रुपए का। 20 रुपए का कुलचा? कौन सा कुलचा? टिक्के वाला, चने वाला, न्यूट्री वाला, तीनों 20 रुपए का। तुम्हारा 20 रुपए में कुलचा है? तुम्हारे सामने वाला सारी लागत पूरी हो रही है, पूरी लागत पूरी। कुलचे वाला बोल रहा है कि महंगा पड़ता कुलचा, 50 रुपए दर्जन हो गया। हाँ जी, कुलचा वाला कह रहा 50 रुपए दर्जन हो गया। कुलचा 55 रुपए दर्जन भी होगा सर, जो मार्केट का रेट है वही बेचो, पूरे हिंदुस्तान में 20 रुपए रेट है। मतलब जो मार्केट का रेट है वही बेचो, जब 10 रुपए के तीन गोल्फ है मार्केट में तीन ही बेचते हैं, जब रेट बढ़ेंगे सभी के लिए बढ़ेंगे, एक के लिए तो नहीं बढ़ेंगे। मतलब कहीं ये तो नहीं कहते कुलचे वाले ये कर रहे हैं कि आज नया साल है तो नए साल पे पार्कों में रश मिल रहा है? ये पब्लिक देख के ज्यादा राशि देख लूट रहा होगा, तो वो पता नहीं सही रेट 20 रुपए है। अच्छा 20 रुपए टिक्की वाला कुलचा खाओ, न्यूट्री वाला खाओ, ये चने वाला खाओ, 20 रुपए का 20 रुपए कुलचा है। मक्खन लगा के 25 रुपए का कुलचा वो है जो प्लेट के अंदर काट के दे, खुला गर्म गर्म छोड़ लो, गर्म गर्म वो वाले भैया कह रहे हैं कि मक्खन लगा के कुलचा दे रहे हो तो 25 में पड़ रहा है भाई। 12 रुपए की मक्खन की टिक्की है, उसमें कौन सा बटर का मूल बट रहा है? एक नान वाला 30 रुपए नान बेची है, कन्ने बटर लगा रहा है मूल सर। भैया क्या लास्ट में क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ पे भी चिल्ड्रंस पार्क हैं
या कोई भी फैमिली पार्क है पब्लिक प्लेस पे, ऐसी लूट मचाने वालों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी पॉकेट मनी कहाँ से ला रहे होते हैं, कैसे ला रहे होते हैं पेरेंट्स से, वो उन्हीं को पता होता है। और अगर हर चीज़ में स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को कंसेशन होती है तो इस चीज़ में क्यों लूटा जा रहा है? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल नहीं डर रहे और ना ही ये डरते हैं। जब हमने इससे बोला कि हम पुलिस को या मीडिया को या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट को बुलाएंगे तो ये कहते हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, हमारी जो भी है वो चलता है।